हेलो स्टूडेंट्स, इलेवेंथ क्लास, लेसन नंबर 7, लेसन नेम चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। टॉपिक ए न्यू कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। और दूसरा जो अपना टॉपिक है, द एस्पायरेशन ऑफ वुमेन। यहाँ पर आज हम इन दो को डिस्कस करेंगे। हमने पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था कि यहाँ पर बहुत सारी प्रिंटेड बुक यूरोप कॉन्टिनेंट में आ गई हैं। अब प्रिंटेड प्रिंट जो है वो इटली से निकलकर पूरे यूरोप में स्प्रेड हो गई हैं, तो वहाँ का लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो लिटरेसी रेट होने से क्या हुआ कि वहाँ रीडर बहुत ज़्यादा बन गए थे, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी बुक पढ़ सकते थे। तो बात क्या है कि यहाँ पर एक एजुकेटेड पर्सन ही ठीक टाइम पर, सही टाइम पर जो है डिसीजन ले सकता है, वो ही आगे बढ़ सकता है। तो अगला पॉइंट अपना क्या है, ए न्यू कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग क्या है। यहाँ के लोग, यदि हम फिर एक बार 15th century और 6th century के बीच में जाएं, तो हमें कौन सा पीरियड याद आता है, हमें आता है मेडिवल पीरियड। और मेडिवल पीरियड में के अंदर वहाँ के जो पीपल हैं उनके माइंड को किसने वास कर रखा है, चर्च ने। यानी एक तरह से, पूरी तरह से चर्च ने उनको कंट्रोल कर रखा है। पर अब 15th century के बाद अब यहाँ पर एक नई कॉन्सेप्ट क्या आया है कि यहाँ पर जो एक, जिसको हम ह्यूमनिस्ट कल्चर बोलते हैं, क्या है कि यहाँ पर जो चर्च का कंट्रोल था वो कंट्रोल अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। अब इटली के लोग, इटली के जो पीपल हैं वो मेटेरियल वेल्थ, पावर, ग्लोरी, इन चीज़ों के प्रति अट्रैक्ट हो गए हैं, जो पहले नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि चर्च का कंट्रोल था। 80 से लेकर 90% टोटल यूरोप की जो पॉपुलेशन थी, उसका 80 से 90% पॉपुलेशन कौन थी, वहाँ के पीजेंट्री। तो वो एक तरह से जो है ना, वहाँ की नोबिलिटी ने अपने कंट्रोल में, वहाँ के प्रीस्ट ने, वहाँ के क्लर्जी ने अपने कंट्रोल में कर रखे थे। तो यहाँ पर अब कुछ नई यहाँ पर संकल्प यहाँ के लोग ले रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं था कि वो लोग इरिलीजियस हो गए थे, यानी अधार्मिक हो गए थे। वो धर्म को, रिलीजन को, क्रिश्चियनिटी को अब भी मानते हैं। बट यहाँ करके कुछ ऐसे स्कॉलर राइटर भी हो गए हैं जिन्होंने अपने बुक लिखी हैं और उनके थ्रू अपने आइडियाज बताए हैं। यहाँ पर फ्रांचेस्को बारबारो क्या कहते हैं कि जो एक्विजिशन है, एक्विजिशन ऑफ वेल्थ है, जिसको हम बोल सकते हैं कि किसी की संपत्ति को लेना, एक राइट के द्वारा डिमांड करना और छीनना, ये कहता है ये एक एज ए वर्च्यू माना गया है। ये किसने कहा है? फ्रांचेस्को बारबारो ने अपनी बुक के अंदर ऐसा लिखा है, एक्विजिशन ऑफ वेल्थ, इसको एक राइट के अकॉर्डिंग छीनना चाहिए, लेना चाहिए, ये एक एज ए वर्च्यू जो है ना माना गया है, एक स्पेशल गुण माना गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर लोरेंजो वल्ला एक यहाँ पर राइटर हैं, वो क्या कहते हैं कि हर एक को हिस्ट्री की स्टडी करनी चाहिए ताकि उसको पूरी लाइफ किस तरह स्पेंड करनी है, इसके लिए ये सब्जेक्ट इंस्पायरेशन करता है। वो अपनी बुक ऑन प्लेजर में क्या लिखता है कि क्रिश्चियन रिलीजन ने मेडिवल पीरियड के अंदर
जो प्लेजर पर इंजेक्शन लगा रखी थी, रोक लगा रखी थी, वो इसको क्रिटिसाइज करते हैं। यहाँ पर लोगों में एक और चीज़ देखने को जो आ रही हो क्या है कि मैनर्स, कि किस तरह एक सिविलाइज पर्सन को जो है ना वो स्पीक बोलना चाहिए, किस तरह की ड्रेस हो उसकी, किस तरह जिस जो भी उसमें स्किल है उसको किस तरह उसने हासिल करना चाहिए, यानी उसका जो गोल है उसको किस तरह हासिल करना चाहिए वो कर सकता है, क्योंकि अब वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। होमनिस्ट का मीनिंग यहाँ पर क्या है? होमनिस्ट का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर जो है ना पावर या फिर जो मनी है उसको छोड़ दें। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को जो है ना शेप कर सकता है, किसी तरह की जिंदगी जो है यहाँ पर अब स्पेंड कर सकता है। यहाँ वो कहते हैं कि मानव का जो माइंड है, मान आदमी का जो माइंड है वो क्या है, मनी साइंड है, इसलिए उसकी जो भी इच्छा है वो उसको करनी चाहिए, उसको कोई भी उसको जो ना कंट्रोल करके नहीं रख सकता। जैसा मिडिवल पीरियड में नोबिलिटी और प्रिस्ट ने पीजेंट्री के साथ किया था। यहाँ पर मैकियावेली अपनी बुक द प्रिंस में क्या लिखते हैं, जो 16 सेंचुरी की बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द प्रिंस किसकी बुक है? मैकियावेली की। मैकियावेली कहता है कि यहाँ हम इमेजिनरी जो थिंग है उसको एक साइड कर दे, रियलिटी की बात बताएं, तो मैं ये कहता हूँ कि जो जो मनुष्य के बारे में जो चर्चा होती है, विशेषकर किसकी, जो प्रिंस हैं जो ज़्यादा एक्सपोज होते हैं, यानी वो एक ह्यूमन नेचर के बारे में बता रहे हैं कि कैसे। बट उस समय यूरोप के अंदर सबसे ज़्यादा जो है ना एक्सपोज जो हो रहे थे वहाँ के प्रिंस थे। और बुक का नाम क्या है? द प्रिंस। कौन बता रहे हैं? मैकियावेली। मैकियावेली कहते हैं कि यहाँ पर हर एक किसी में जो है ना मैनर्स होते हैं, और उन मैनर्स के कारण ही ये देखा जाता है कि उस व्यक्ति की प्रेज हो रही है या कंडेम्ड, निंदा हो रही है। वो कहते हैं कि कुछ ऐसे पर्सन होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बेनिफैक्टर्स होते हैं, यानी दान देने वाले होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो ग्रेस्पिंग होते हैं, जो कंजूस होते हैं। वो कहते हैं कि कुछ ऐसे होते हैं जो फ्लेक्सिबल हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो सेट बर्न हैं। इसके साथ साथ वो कहते हैं कुछ रिलीजियस लोग हैं, तो इसके साथ साथ कुछ स्केप्टिक जो है ना पीपल भी होते हैं जो संदेह करते हैं, कुछ फेथफुल हैं तो कुछ फेथ लेस होते हैं। तो यहाँ पर मैकियावेली अपनी बुक प्रिंस के अंदर ये कहता है कि ऑल मैन आर बैड। क्यों कहता है? कि वो कहता है कि मनुष्य की एस्पायरेशन, मनुष्य की जो डिजायर हैं, जो नीड हैं, वो कभी पूरी नहीं होती, वो कभी भी पूरी नहीं होती। पूरी न होने की वजह से वो जो है ना क्या बन जाता है, वो जो है ना सेल्फ इंटरेस्ट रखता है। नेक्स्ट पॉइंट, तो यहाँ पर क्या है कि मनुष्य की जो है, मानव की जो एक नई संकल्पना जो है, कॉन्सेप्ट है, वो क्या है कि अब मनुष्य ने 15 सेंचुरी के बाद इटली और यूरोप में कुछ नया सोचना शुरू कर दिया है। अब वो इंडिपेंडेंट अपने विचार रख सकता है। अब यहाँ पर किसी भी प्रिस्ट का या फिर चर्च का कोई उसके ऊपर कंट्रोल, खासकर इटली के जो टाउन्स हैं उनमें अब नहीं है। इटली के टाउन से ये विचार, ह्यूमनिस्ट कल्चर के विचार स्प्रेड होने शुरू हुए थे, और फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता पूरे यूरोप में जो है ना फैल गए थे। हमने देखा 1789 के अंदर पहली बार डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट आवाज़ उठाने वाले फ्रांस के लोग हैं, जो लुई सिक्सटीन को जिसने जिसने जो है ना बाहर कर दिया था। तो वो यहीं से वे विचार आइडिया जो है ना
होमनिस्ट कल्चर यहीं से सबसे पहले कहा इटली से शुरू हुई और फिर यूरोप के अंदर आहिस्ता आहिस्ता स्प्रेड हो गई। नेक्स्ट अपना जो पॉइंट वो क्या है, द एस्पायरेशन ऑफ वुमेन। यहाँ पर देखो जो महिलाएं हैं उनकी जो है आकांक्षाएं क्या हैं। मैं आपको ये बता दूं कि पहले हम उन महिलाओं की, उन वुमेन्स की बात करेंगे जो यहाँ पर अरिस्टोक्रेटिक फैमिली की हैं, यहाँ पर नोबिलिटी फैमिली की हैं। यहाँ हम क्या बता आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर वुमेन्स का पब्लिकली रोल कोई नहीं है, उनको यहाँ पर एक तरह से हाउस होल्ड की एक वस्तु माना जाता था, केवल हाउस होल्ड वॉच करना है, देखना है, उसकी कीपर बन करके रहना है। यहाँ पर जो लड़कियाँ हैं, गर्ल्स हैं, उनको एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं दी जाती थी, केवल यहाँ बॉयज़ को, लड़कों को ही पढ़ने के लिए जो ना भेजा जाता था। वो ये मानते थे कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक हाउस की जो है वो बॉयज़ ने ही संभाल ली है। ऐसी ही कुछ कल्चर हमें आज इंडिया में भी देखने को मिल रही है, तो हम देख सकते हैं कि इंडिया यूरोप से कितना पीछे जो है ना वो चल रहा है। यहाँ पर क्या होता है कि जब भी मैरिज होती है और डोरी अरेंज बहुत अच्छा नहीं हो पाता, तो वुमेन्स को शादी के बाद भी, मैरिज के बाद भी मोनेस्ट्री में जो है ना रहने के लिए छोड़ दिया जाता है, जो एक नन की लाइफ जोन वहाँ पर स्पेंड वो करेगी। तो इस तरह हम यहाँ पर वुमेन्स की किस में, अरिस्टोक्रेट फैमिली के अंदर वुमेन्स का जो रोल है वो यहाँ पर बिल्कुल भी जो है ना नहीं है, यानी एक तरह से उसको यहाँ पर एक हाउस होल्ड कीपर के तौर पर देखा जाता है। बट हम यहाँ पर कुछ ऐसी वुमेन्स को देखते हैं जिनकी जो कंडीशन है वो कुछ बहुत अलग है। वो वुमेन्स कौन हैं? वो वुमेन्स हैं जो किसकी वाइफ हैं, ट्रेडर की वाइफ हैं, जो बिजनेस मैन हैं उनकी वाइफ हैं, बैंकर हैं उनकी वाइफ है, जो मर्चेंट हैं उनकी वाइफ हैं। ये जब इनके हस्बैंड बाहर काम करने के लिए लंबे टाइम के लिए चले जाते थे, ये शॉप कीपर बन करके भी जो है ना काम करती थी। इस तरह यहाँ पर जब किसी ट्रेडर की या फिर शॉप कीपर की डेथ हो जाती थी तो भी ये बहुत अच्छे से ये काम संभालती थी। तो ये वुमेन्स कौन सी हैं? ये अरिस्टोक्रेट फैमिली से रिलेट नहीं हैं, ये उन टाउन्स की वुमेन हैं जहाँ पर एक नई कम्युनिटी अमर्ज होकर के आई थी। वो नई कम्युनिटी कौन है? जो ट्रेडर हैं, बिजनेसमैन हैं, जो मर्चेंट हैं, बैंकर हैं। तो ये वुमेन्स अपने हस्बैंड की एब्सेंट में यहाँ पर बहुत अच्छे से अपना काम कर रही हैं। यहाँ पर इस टाइम की हम दो इंटेलेक्चुअल जो वुमेन हैं उनके बारे में आपको बताएंगे, जो बहुत ही क्रिएटिव और सेंसिटिव रही हैं। इनमें से एक जो है कसांद्रे फेदले है। क्या नाम है? कसांद्रे फेदले। कसांद्रे फेदले अपने टाइम में, यानी उनका जो टाइम पीरियड है वो 15-16 सेंचुरी का है। वो लिखते हैं कि हमारे लिए एजुकेशन कुछ नहीं है, हमें एजुकेशन कोई भी जो है ना हमें रिगार्ड नहीं देती, कोई अवार्ड नहीं देती, बट फिर भी हमें जो है ना हमें लिटरेट होना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए। ऐसा वो जो है ना वुमेन्स के बारे में लिखती हैं। वो उस टाइम की अकेली ऐसी वुमेन है जो ये इस बात को का क्रिटिसाइज करते हैं कि जो स्कॉलरशिप है वो केवल स्कॉलर जो हैं वो मैन ही बन सकते हैं। यहाँ पर इनको किनको कसांद्रे फेदले को प्रोफिशिएंसी यानी एक विद्वान के तौर पर जाना जाता है, और उनको
पादुआ यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ना स्पीच के लिए भी कई बार जो है ना बुलाया गया है। फेदले अपने एजुकेशन को इसलिए भी इम्पोर्टेंट मानती थी कि एजुकेशन लेकर के ही हम जो है ना हमारी डिमांड को पूरी कर सकते हैं। उन्होंने इस बात का भी क्रिटिसाइज किया है, किसका, रिपब्लिक का, कि उस रिपब्लिक का कोई फायदा नहीं जो वुमेन्स की फ्रीडम पर रिस्ट्रिक्शन लगाती है, यानी जिसकी सीमाएं लिमिट हो वुमेन्स के लिए नहीं है तो वो रिपब्लिक भी किसी काम का नहीं है। तो ऐसे वुमेन्स कौन है, कसांद्रा फेदले है, जिसने वुमेन्स के बारे में बिना डर के अपने आप को एक्सपोज किया है और पादुआ यूनिवर्सिटी के अंदर उनको स्पीच के लिए जो है ना इनवाइट भी किया गया था। ठीक है, आगे क्या है, यहाँ पर हम एक और वुमेन्स के बारे में पढ़ेंगे। वो वुमेन कौन है, इसाबेला दे ईसा। इसाबेला दे ईसा के बारे में हम आपको क्या बता रहे हैं, यहाँ पर ये एक ऐसी वुमेन है जो अपने हस्बैंड की डेथ के बाद इसने अपने स्टेट पर बहुत अच्छे से रूल किया था और इसकी कोर्ट बहुत अच्छे से जो है ना चलती थी। हालांकि ये माना जाता है कि इसका जो स्टेट था मंटुआ वो बहुत छोटा स्टेट था, बट फिर भी वो इंटेलेक्चुअल जो प्रतिभा के लिए जो है ना बड़ा पॉपुलर था। यहाँ पर हम एक और वुमेन के बारे में जो है बता रहे हैं, जिनका नाम है कॉन्स्टिलोनी। यहाँ पर बाल्थासार कॉन्स्टिलोनी जो है ना वो वुमेन्स के बारे में क्या बताते हैं, उन्होंने एक बुक लिखी थी अपनी द कोर्टियर। कोर्टियर में वो क्या कहते हैं कि एक मैन के, एक वुमेन का मैन से कैसे जो ना अपने आप को डिफर रखना चाहिए। तो वो बताते हैं कि यहाँ पर क्या एक जो वुमेन है उसके अंदर क्या स्पेशल वर्च्यू होने चाहिए। वो कहते हैं कि यहाँ पर एक वुमेन को ग्रेसफुल होना चाहिए। ग्रेसफुल के साथ साथ वो कहती हैं कि उसके अंदर कुछ दूसरे मैनर्स भी होने चाहिए। दूसरे मैनर्स कौन से, कि वो उसका जो है ना ड्रेस वो भी जो है ना बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक कल्चरल ड्रेस जो है ना उसकी होनी चाहिए। वो कहते हैं कि उसकी जो है ना स्वीटनेस इन हर एवरी मोमेंट। इसके साथ साथ वो कहते हैं कि नेचुरली जो है ना वो ग्रेसफुल होनी चाहिए, वेल मैनर्ड होने चाहिए। यानी यहाँ पर डिफरेंट जो वुमेन ऑथर हैं, डिप्लोमेट हैं, वो अपने व्यू वुमेन्स के बारे में बताते हैं जो मैन से अलग किस तरह होने चाहिए, उसका नेचर कैसा होना चाहिए, उसकी ड्रेस कैसे होनी चाहिए, उसके मैनर्स कैसे होने चाहिए, इसके बारे में यहाँ पर जो है ना डिफरेंट जो वुमेन्स हैं उन्होंने इनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर वुमेन्स के जो हम एग्जांपल लेंगे तो तीन वुमेन्स जो है यहाँ पर हैं, कसांद्रा फेदले और इसके साथ साथ इसाबेला दे इस्ते और इसके साथ साथ बाल्थासार कॉन्स्टिलोनो वुमेन्स के क्वालिटी के बारे में बताते हैं। तो अपना आज का ये टॉपिक ए न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ वुमेन बीइंग एंड द एस्पायरेशन ऑफ वुमेन। एस्पायरेशन वुमेन को कौन करती हैं, यहाँ पर दो आपने एग्जांपल पढ़े, हमने पढ़े हैं कसांद्रा फेदले, दूसरा कौन है इसाबेला दा इस्ते। एक ने जो है ना यहाँ पर एजुकेशन के बारे में, एक जो बहुत बड़ी जो ना स्कॉलर थी जिसको पादुआ यूनिवर्सिटी में भी इनवाइट किया गया स्पीच के लिए, और दूसरी एक स्टेट में एक प्रिंसेस के तौर पर जिसने काम किया है, उस स्टेट का नाम मेंटुआ है जो छोटा स्टेट है, पर
उसके कोर्ट में सब लोगों ने बहुत अच्छे से उसके अंडर में काम किया है। तीसरा जो है वो कौन है, बाल्थासार कोस्टी कोस्टिलियोनी। ये भी एक वुमेन्स का नेचर के बारे में बताया जाता है कि एक वुमेन जो है वो बाय नेचर कैसी होनी चाहिए। तो आज का अपना ये टॉपिक, दो टॉपिक थे। ओके, थैंक यू।